अगर आप अपने चैनल पर शॉर्ट वीडियो बनाते हो ना, तब तो आपको इस ऑप्शन को ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। दोस्तों ये चीज आप सबको पता है कि जब भी आप अपना YouTube पर कोई वीडियो अपलोड करते हो ना, तो उसको आप अनलिस्टेड करके अपलोड करते हो, ठीक है। अनलिस्टेड में आप अपना वीडियो अपलोड में लगा देते हो, उसके बाद जब भी आपका वीडियो पूरा अपलोड हो जाता ना, उसके बाद जब आप अपने YT स्टूडियो पर जाते थे, तो अभी तक क्या हुआ करता था कि आप उसको डायरेक्टली पब्लिक कर सकते थे या फिर आप उसको चाहो तो शेड्यूल में भी लगा सकते थे। लेकिन अब क्या हो चुका कि आप चाहो तो आप डायरेक्टली इसको पब्लिक कर सकते हो, तुरंत आप पब्लिक पर क्लिक करके सेव करोगे तो आपका पब्लिक हो जाएगा, या चाहो तो आप डायरेक्ट मतलब कि अभी आपका पब्लिक होगा फिर भी आप वहां पर प्रीमियम लगा सकते हैं, मतलब कि आपको प्रीमियम लगाने का ऑप्शन आ चुका है, वो भी इंस्टेंट देख सकते हो, सेट एस इंस्टेंट प्रीमियर करके ऑप्शन आ चुका है। तो बहुत सारे लोगों ने ऐसे मेरे पास कमेंट करा है कि हमको कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करके मतलब वीडियो अपलोड करना चाहिए। यहां पर मैं शेड्यूल वाले प्रीमियम या फिर शेड्यूल की बात ही नहीं कर रहा हूं, यहां पर मैं इंस्टेंट पब्लिक या फिर इंस्टेंट प्रीमियम की बात कर रहा हूं कि मतलब आप प्रीमियम लगा के तुरंत पब्लिक करो या फिर डायरेक्टली आप पब्लिक कर दो। तो आखिर इनका मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन करके पूछा है कि हमको कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में आपको इन्हीं दोनों के बीच में डिफरेंस बताने वाला हूँ, इन्हीं दोनों का मतलब बताने वाला हूँ, और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि आप किसको चूज करके अगर अपने वीडियो को पब्लिक करते हो तो आपका ज्यादा फायदा होने वाला है। देखो ये चीज आप सबको पता होगी, लेकिन यहाँ पर मैं जो चीज बताने वाला हूँ ना, अगर आपने उस चीज को ध्यान से समझ लें तो आपको काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। अगर नहीं समझोगे तो वही जो आपका नॉर्मल जिस तरीके से चल रहा है उसी तरीके से चलता रहेगा, लेकिन अगर आपने ध्यान से इस चीज को समझ लिया तो आपका काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। देखो सबसे पहली बात तुम बताऊं कि जो आपका डायरेक्टली पब्लिक वाले ऑप्शन पर अगर आप क्लिक करके इसको पब्लिक कर दोगे तो आपका नॉर्मल उसी तरीके से पब्लिक हो जाएगा जिस तरीके से आपका जो नॉर्मल वीडियो पब्लिक होता है, ठीक है। आप जैसे उस पर पब्लिक पर क्लिक कर दोगे तो आप सबके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, वहां से लोग क्लिक करके देख सकते हैं। लेकिन ये जो आपको नीचे सेकंड ऑप्शन मतलब कि इसी के नीचे जो ऑप्शन आ चुका है सेट एस इंस्टेंट प्रीमियम करके, अगर इसको आपने टिक करके फिर आपने पब्लिक कराना तो इसके आपके बहुत ज्यादा फायदे होने वाले हैं। देखो इसमें होता क्या है कि अगर आप इस पर टिक करके वीडियो को अपने पब्लिक करते हो ना, तो सबसे पहली बात कि वीडियो आपका पब्लिक होने से पहले मतलब कि लोगों के पास वीडियो पहुंचने से पहले उनके पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा कि आपने अपने वीडियो को प्रीमियम में लगा दिया है। तो उसके बाद जैसे वो लोग वहां पर क्लिक करेंगे ना, तो सबसे पहले तो उनके पास दो मिनट का एक काउंट डाउन चलता है, एक टाइम चलता है जो कि आपका दो मिनट से स्टार्ट होकर के जीरो सेकंड तक चलता है, आपका माइनस होता जाता है, माइनस होता जाता है, माइनस होता जाता है। उसके बाद जैसे दो मिनट हो जाता है तो जो आपका वीडियो होता ना, वो चाहे आपका जितने मिनट का वीडियो हो, वो जो आपका वीडियो होता ना, वो आपका एक प्रकार से लाइव हो जाता है। जैसे आप लाइव करते हो ना, वहां पर लोग लाइव आपके साथ कमेंट कर सकते हैं, लाइव आपको सुपर चैट वगैरह दे सकते हैं, ये सारी चीजें कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। तो उसी तरीके से आप अगर सेट एस प्रीमियम सेलेक्ट करके अपने वीडियो को पब्लिक करते हो ना, तो सबसे पहली बात तो आपका तुरंत ही सबके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। जैसे आप प्रीमियम करोगे शेड्यूल में आपका जब का शेड्यूल लगा तो तब होता है, लेकिन इसमें तुरंत ही नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। उसके बाद आपका जो दो मिनट का काम डाउन होगा वो भी उसमें भी आपका वीडियो एक प्रकार से लाइव ही होगा, वहां पर भी कोई कमेंट कर सकता है, और जब आपका वीडियो प्ले हो जाएगा तब भी वो वीडियो आपका लाइव ही चलता रहेगा। तो देखो यहां पर होता क्या है कि जो ये वीडियो लाइव चलता ना, तो आखिर मतलब कई सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या ये वीडियो हमेशा के लिए लाइव होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका वीडियो जितने मिनट का होता ना, मान लो कि आपका वीडियो अगर दो मिनट का है, तो ये आपका टाइम काउंट डाउन चलने के बाद दो मिनट तक आपका वीडियो लाइव रहने वाला है। इसी प्रकार से अगर आपने कोई 10 मिनट का वीडियो बनाया, तो ये जो आपका वीडियो होगा ना, ये अगर आपने प्रीमियम सेलेक्ट कर रखा होगा तो आपका 10 मिनट तक ये लाइव चलता रहेगा, मतलब कि जो भी लोग इसको देखेंगे लाइव देखेंगे, लाइव कमेंट करेंगे, सारा कुछ होगा। लेकिन यहां पर एक छोटा सा मिस्टेक होता है, या फिर मैं कहूं कि छोटा सा इसमें नुकसान होता है। नुकसान यह होता है कि जैसे कि आपने कोई एक 5 मिनट का वीडियो डाला, ठीक है, और उसको आपने सेट एस इंस्टेंट प्रीमियम करके इसको आपने पब्लिक कर दिया, तो सबके पास नोटिफिकेशन पहुंच गया कि आपने प्रीमियम लगा दिया। तो जैसे कि आपका जो 5 मिनट का वीडियो था उसका आपका काउंट डाउन भी पूरा खत्म हो गया, उसके बाद मान लो कि आपका जो 5 मिनट का वीडियो था वो 2 मिनट तक आपका वीडियो चल चुका है, लाइव आपका 2 मिनट तक वीडियो चल चुका है, तो अब ऐसा तो है ना कि आपने वीडियो को पब्लिक करा, नोटिफिकेशन लोगों के पास पहुंचा, तो सारे लोग एक ही बार में क्लिक कर दे। मान लो कि आपका वीडियो 2 मिनट तक चल चुका है, जो आपका वीडियो था, मान लो कि आपका वीडियो 2 मिनट तक चल चुका है, उसके बाद किसी ने अगर क्लिक करा उस नोटिफिकेशन पर, तो यहां पर यह नुकसान होगा कि जो पीछे का 2 मिनट आपका वीडियो चल चुका ना, वो उस चीज को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आपका एक लाइव टाइप का होता है, लाइव चल रहा होता है। हालांकि उसको बैक फॉरवर्ड करके देख भी सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली उस पर क्लिक करेंगे तो 2 मिनट का जो आगे निकल गया ना, वो चीज वो नहीं देख पाएंगे, आगे का ही देख पाएंगे।
तो ये थोड़ा सा इसमें नुकसान होता है, इसलिए यहाँ पर मैं कहता हूँ कि अगर आपका वीडियो बड़ा है ना तो आप इसको डायरेक्ट ही पब्लिक करो तो ही अच्छा है। लेकिन अगर आप यहाँ पर शॉर्ट वीडियो बनाते हो, अगर आप अपने चैनल पर शॉर्ट वीडियो बनाते हो ना, तब तो आपको इस ऑप्शन को ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, सेट एस इंस्टेंट प्रीमियम को ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ आप सबको पता है कि शॉर्ट वीडियो के आपका नोटिफिकेशन किसी के पास नहीं पहुंचता। और सिंपल सी बात है, अगर किसी के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा तो उस पर बहुत कम व्यूज आने के चांस होते हैं। इसलिए अगर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे ना, तो सबसे पहली बात तो प्रीमियम का सबके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा, और उसके बाद वो लोग वहां पर छोटा सा ही वीडियो होगा तो छोटा सा आपका लाइव चलेगा। उसके बाद जब आपका ये लाइव खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद अगर उस नोटिफिकेशन पर कोई क्लिक करेगा ना, डायरेक्टली आपका पूरा वीडियो चल जाएगा और नोटिफिकेशन भी सबके पास पहुंच जाएगा। तो अगर आप शॉर्ट वीडियो बनाते हो तब तो आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, या फिर आप लॉन्ग वीडियो भी बनाते हो और ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं है तो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा ये ऑप्शन है। और बाकी आपका पब्लिक वाला तो सिंपल सा पता है कि आप पब्लिक कर दोगे तो सबके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और नॉर्मल देख सकते हैं, लेकिन शॉर्ट वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जाता, इसलिए आपको शॉर्ट वीडियो पर इस ऑप्शन को जरूर सिलेक्ट करना होगा। सो आई होप कि आप इन दोनों का मतलब समझ गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको पता है कि मैं यूट्यूब से रिलेटेड हमेशा इस तरह के इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियो लाता रहता हूं। और अगर आपका यूट्यूब से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो, कुछ भी आप मुझसे पूछना चाहते हो, तो इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी, फॉलो जरूर कर लेना। चलो फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पर कुछ जानकारी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।